सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए आप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, अभी हम हैं NH 709 बी पर और ये चला जाता है, देख सकते हो, बागपत शामली सहारनपुर के लिए। और आपको बता दूं कि पिछली साइड में देखो, ये है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे। और जैसे ही हम कुछ आगे चलेंगे 100 मीटर, तो यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। और यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। ड्रेनेज सिस्टम पहले ही बना दिया था इन्होंने, ये देखो ये ड्रेनेज जा रहा है। और यहीं पर दोस्तों ये देखो ये चल रहा है काम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बनाने का मेरे प्यारे दोस्तों। देखो यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो कि पियर पाइलिंग की जा रही है दोस्तों। और ये ट्रकों की जो मशीन होती है उनसे पियर पाइलिंग की जा रही है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, तो यहाँ पर ये पियर पाइलिंग का काम चल रहा है दोस्तों, इसका इंटरचेंज बनाया जा रहा है। देखो किस तरीके से यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाने का काम किया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का मेरे प्यारे दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, तो यहाँ पर जैसे जैसे पियर पाइलिंग हो जाएगा फिर इस पर फाउंडेशन का काम किया जाएगा। ये देखो टीम वाले, ये लगे हुई है टीम जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है पियर पाइलिंग का। और यहाँ से ये दोस्तों कहाँ पर ये आ जाता है राइट में, देखो दोस्तों ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ग्रीन फील्ड एरिया दोस्तों। यहाँ पर ये दोनों साइडों में आरई पैनल्स को लगाने के बाद में मिट्टी का इसमें भराव कर दिया दोस्तों, और इसमें से कंपोजर भी लगाते हैं और बेल्ट भी लगाते हैं इस आरई पैनल में, वो मैं आप सभी को आगे दिखाऊँगा चल कर। तस्वीरें देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर देखो ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा कर्व ले लेगा और आगे है ईस्टर्न पेरीफेरल। पेरीफेरल को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों दिल्ली का ब्राउन फील्ड एरिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि है 38 किलोमीटर लंबा जो ब्राउन फील्ड एरिया है और बिल्कुल एलिवेटेड है दोस्तों। देखो यहाँ से ये सारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तस्वीरें देख सकते हो। चलेंगे हम आगे और आप लोगों को दिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लो, ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों को लाता रहता हूँ। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आज मैं पहली बार आप सभी के बीच ग्राउंड फील्ड एरिया दिखाने वाला हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, कि कैसे कैसे किस जगह से होकर निकल रहा है दोस्तों, क्या क्या काम चल रहा है, कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि दोनों साइड में आरई पैनल्स को लगाने के बाद में दोस्तों इसमें मिट्टी डाली जा रही है, लेबल मिट्टी की लेबलिंग करते चले जा रहे हैं दोस्तों। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ये कंपोजर लगाते हैं वाइट वाला दोस्तों, आरी पैनल्स के ऊपर कंपोजर निकालते हैं। कंपोजर इसलिए लगाते हैं दोस्तों क्योंकि बरसात में ये मिट्टी बाहर की साइड ना निकले, या बरसात के पानी की वजह से ये मिट्टी बाहर ना जाए, तो इसी वजह से ये कंपोजर लगाया जाता है। और इस आरी पैनल्स को रोकने के लिए दोस्तों इसमें एक बेल्ट लगाई जाती है, और बेल्ट यहाँ पर ये बीच में लगा देते हैं और फिर इसमें मिट्टी डाल देते हैं, आर्थ वर्क का काम किया जाता है। तो यही वर्क चल रहा है अभी ये ग्रीन फील्ड एरिया में दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि कहीं कहीं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाने का काम था ना दोस्तों, वो बना लिए जा चुके हैं। अब उनका या तो फ्लोर वर्क किया जा रहा है या उनकी बाल बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों।
तो कुछ हिस्से में तो दोस्तों आपको बता दूं कि रोरी बजरी की लेयर डाल दी जा चुकी है। जैसा कि देखो यहाँ पर इस जगह रोरी बजरी की लेयर डाल दी जा चुकी है। अब इस पर क्या, इस पर डायरेक्ट DBM वर्क कर देंगे दोस्तों, यानी कि DBM की लेयर चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में एक और लेयर चढ़ाई जाएगी DBM की, यानी कि ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो कुछ पैच में हो गया है, कुछ जगह अभी काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ जगह कुछ स्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो ग्रीन फील्ड एरिया में दोस्तों बस यही काम चल रहा है। तस्वीरें देख सकते हो आप सभी, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो करो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस करो, तुरंत बेल आइकन बजाओ, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस पर डे KP संत के चैनल पर देखते रहो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के बीच में KP संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता दोस्तों। और जहाँ भी जो भी कोई गलती होती है दोस्तों, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दिया करो और भाई को क्षमा कर दिया करो, क्योंकि भाई सीखते ही सीखते इंसान सीख पाता है। तो देखो एक यहाँ पर ये देखो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर गड्ढा किया गया, कहीं कहीं ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, कहीं कहीं रोरी बजरी की लेयर डाली जा रही है और कहीं कहीं स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। तो यही वर्क चल रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर, ये मिट्टी डाल रखी है, नहीं डाल रखी है। ये मिट्टी डालने के बाद में देखो JCB मशीन भी खड़ी है, रोड लोडर भी खड़ा है। तो ये JCB मशीन अभी मिट्टी को एक सार कर लेवल में करेगी और फिर इसके बाद में यह दोस्तों ये रोड लोडर चलाया जाएगा ताकि मिट्टी को दबाया जाएगा। और जब फाइनल हो जाएगा अर्थवर्क का काम, तब इस पर रोरी बजरी की लेयर डाली जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हो सारे स्ट्रक्चर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, इनका फ्लोर वर्क है वो भी कम्प्लीट हो चुका है, बस अब इनको कनेक्ट करने का काम है दोस्तों, वो किया जाएगा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से दोस्तों। आपको दूर दूर तक दोस्तों इसे एक्सप्रेसवे पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ग्रीन फील्ड एरिया में, क्या अभी अर्थवर्क का ही काम चल रहा है। तेजी के साथ में स्ट्रक्चर बनाने का काम था वो तो हो चुका है दोस्तों, मतलब कि फाउंडेशन बनाकर और दोनों साइडों के बॉल बनाकर, कहीं कहीं तो स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि फ्लोर वर्क भी हो चुका है, कहीं कहीं फ्लोर वर्क किया जा रहा है। जितने भी ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं दोस्तों ग्रीन फील्ड एरिया में, इस पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है तेजी के साथ में।
अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक साइड में तो ये रोरी बजरी का लेयर डाल दिया दोस्तों, और यहीं पर बनाया जाएगा क्या, टोल प्लाजा। ये टोल प्लाजा के लिए जगह है, लंबा चौड़ा एरिया देख रहे हैं आप लोग। और देखो ये हाई टेंशन लाइन जा रही है, इसको अभी ऊंचा भी किया जाएगा क्योंकि बहुत नीचे पे है। तो इस जगह पे देखो टोल प्लाजा बनाया जाएगा, काफ़ी लंबाई चौड़ाई है यहाँ पर, और सारे में ही देखो काम हो चुका है क्या, रोरी बजरी की लेयर डाल दी जा चुकी है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, कितना लंबा चौड़ा एरिया साफ किया गया है, उसमें रोरी बजरी की लेयर डाल दी गई है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के बीच में मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों। देख सकते हो अभी हमारे एनसीआर में जहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस टाइम पे, आप सभी को हर जगह की अपडेट देने की मैं कोशिश करता रहता हूं दोस्तों। और आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, नीचे कमेंट करके बताओ हमें दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, और उन पर अभी फ्लोर वर्क भी किया जा रहा है, अर्थ वर्क का काम भी किया जा रहा है, साथ साथ में रोरी बजरी की लेयर भी डाली जा रही है। तो अभी यही काम चल रहा है दोस्तों, और बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रेच आप लोगों को मुजफ्फरनगर तक का देखने के लिए मिलेगा, अपडेट आते रहेंगे पर डे आप सभी के बीच में दोस्तों। अब इस जगह पर आप सभी देख लो अभी कोई काम नहीं हुआ है, देखो ये पेड़ भी अभी काटा जाएगा क्योंकि ये मेन कैरिज वे पर आ रहा है दोस्तों, और ये एक्सप्रेस वे 6 लेन का रहने वाला है इस साइड में दोस्तों। देख सकते हो आप लोग अर्थ जिधर भी आप नज़र उठा के देखो आप लोगों को बस अर्थ वर्क होता हुआ ही नज़र आएगा दोस्तों, कहीं इस पर
रोरी बजरी की लेयर डाली जा रही है, कहीं इस पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, किसी किसी जगह पर दोस्तों जो जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उनका फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों, बस यही काम चल रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हो, आप लोग समझदार हो, आप लोगों को क्या ही बताना ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर यह रोरी बजरी की लेयर डाली है, आगे तस्वीरें देख सकते हो, अभी इस पर रोड रोलर भी नहीं चला है दोस्तों, देखो आप लोग, क्योंकि रेनी सीजन था तो यहाँ पर काम बंद हो गया था, अब स्टार्ट हो चुका है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी रोड रोलर नहीं चला है, इस पे कंक्रीट पे जो रोरी बजरी की लेयर डाली गई है उस पे अभी रोड रोलर नहीं चला है दोस्तों, चलाया जाएगा। तो अभी यही काम चल रहा है, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों, और आप लोग बताना हमें कमेंट करके कि आप सभी को केपी संत के चैनल पर ये वीडियोस कैसे लगते हैं दोस्तों, अच्छा लगे फिर भी कमेंट करो, ख़राब लगे फिर भी कमेंट करो आप हमें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सपोर्ट करो भाई को, ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के बीच में केपी संत लाता रहेगा पर डे, आप लोगों को दिखाता रहेगा, इसी तरीके से इंटरटेन करता रहेगा दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये मिट्टी डाली जा रही है, अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रीन फील्ड एरिया में दोस्तों ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है दोस्तों, मेन कैरेज पे अब देखो यहाँ पर ये सारा ही, और आप लोगों को बता दूँ देखो इधर से उधर पानी जाने के लिए इसमें जो सीमेंटेड पाइप हैं वो भी डाले जा रहे हैं कई 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 जगह पे, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया, देखो इस जगह पर डाले जा रहे हैं, यहाँ पर ये छोटी सी कैनाल है दोस्तों, यानी कि बम्बा, हम तो बम्बा बोलते हैं, तो बम्बा है, इसीलिए यहाँ पर देखो ये सीमेंटेड पाइप डाले गए हैं डबल डबल, क्योंकि ताकि पानी आराम से पास हो सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा है, देखो किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो यही काम कर किया जा रहा है। अब जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ेंगे उस पर देखो यहाँ पर ये रोरी बजरी की, देखो यहाँ पर ये लाए गए हैं, यहाँ पर ये ढेर लगे हुए हैं रोरी बजरी के, ये यहाँ पर फैलाए जाएंगे, फैलाने के बाद में एक सार किए जाएंगे, फिर उस पर रोड रोलर चलाया जाएगा, उसके बाद में दोस्तों डीबीएम की लेयर का काम किया जाएगा। देखो हम ऊपर चढ़ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर ये ढेर लगे हुए हैं ना रोरी बजरी के, ये यहाँ पर बिछाए जा रहे हैं दोस्तों, और बिछा भी दिए हैं, देखो यहाँ पर इस पर रोड रोलर चल भी गया है दूसरी साइड में अब। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से दोस्तों।